अगर आपको भगवान केदारनाथ की तरफ जाना है या बद्रीनाथ की तरफ जाना है तो आप टू व्हीलर के माध्यम से कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद आप लोग सीधे इस स्थान से होकर इस स्टील गार्डन पुल के होते हुए आप लोग सीधे सुमेरपुर पहुंच सकते हैं। आप वो सब ये कितने किलोमीटर का जो फेर था वो बच गया? ये काफ़ी था, ये भी 15-20 किलोमीटर होगा, ये शॉर्टकट होगा यहाँ से। कितना ये जो पुल बना है वो कितनी की लागत से बना होगा? ये पुल तो भाई साहब पीडब्ल्यूडी जो रास्ता बन रहा है उससे काफी सहूलियत मिल गई लोगों को। रास्ता बन गया, थोड़ा सा रह गया उधर जोड़ने के लिए और थोड़ा इधर जोड़ने के लिए। कहते हैं लोग इस काकड़फली पुल को किस क्यों नाम दिया गया होगा? काकड़फली वहाँ है ऊपर है जी, वो वहाँ शॉर्टकट है बिल्कुल, नदी वहाँ से 3 मीटर का स्थान है। अच्छा, तो पर इस स्थान का नाम भी काकड़फली बोलते हैं? काकड़फली बोलते हैं उसके लिए। अच्छा। स्थान बहुत ज्यादा काकड़नी फाल मारी थी वहाँ। अच्छा, वो छलांग मार के पल्ली पार चले गए। अच्छा, तो आप तो काफी सुविधा हो गई, आप फर्स्ट क्लास हो गए। थैंक यू। पार्किंग रेलिंग सब तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस पुल के रास्ते से होके गुजर रहे हैं और टू व्हीलर के माध्यम से लोग अपने गंतव्य स्थान के लिए पहुंच रहे हैं। आगे आपको दिखाते हैं इस प्रकार से लोग अब टू व्हीलर के माध्यम से अपने पहले 10-12 किलोमीटर होके जाते थे, लेकिन अब आप केवल आप लोग 1 किलोमीटर के से होकर इस पुल के गार्ड माध्यम से आप लोग अलकनंदा क्रॉस करने के बाद सीधे आपने जैसे आपको सुमेरपुर जाना होगा या बद्रीनाथ की ओर जाना होगा तो इस रास्ते से होकर चले जाएंगे। अगर आपको वहाँ से वापस आना और कोटेश्वर की तरफ जाना तो कोटेश्वर मंदिर होकर आप सीधे रुद्रप्रयाग बाजार या पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाना होगा या कलेक्टर जिलाधिकारी के ऑफिस जाना होगा या CTO कार्यालय जाना होगा या जज कोर्ट की ओर जाना होगा आपको, तो इस पुल के माध्यम से आप लोग आसानी से उस चमोली होते हुए आप इस ओर जा सकते हैं और रुद्रप्रयाग होकर चमोली की ओर जा सकते हैं। तो इतनी तरह इस सुविधा लोगों ने बहुत मांग की थी लोगों की कि इस पुल को बनाया जाए जिससे लोगों को आने जाने में आसानी हो सके। के बाद यहाँ पे मोटरसाइकिल का जो पुल बना है ये गार्डर पुल में, इस पुल से लोग आना जाना हो रहा है तो काफ़ी लोगों को सहूलियत, जहाँ लोग 10 किलोमीटर घूम के जाते थे लेकिन आप लोग केवल 1 किलोमीटर ही घूम के सीधे अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा सा लोगों को काफ़ी सुविधा, और ये जो लोग आ रहे हैं उनसे ही पूछते हैं हम लोग किस तरह से। रोक देना ज़रा सा, एक बाइट भी देनी आपने। भाई साहब से ही पूछते हैं कि भाई आप देख सकते हैं कि इस स्थान पे जैसे अलकनंदा नीचे बिल्कुल दिख रही है और अलकनंदा के ठीक सामने आपको दिख रहा होगा कि ये कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये दिव्य दर्शन भगवान कोटेश्वर महादेव के दर्शन आपको मैं करा रहा हूँ। यहाँ से बह के जाती है बद्रीनाथ से होकर के सीधे कोटेश्वर मंदिर के सामने जाती है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं और स्नान ध्यान करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। शिव के आराध्य हैं जो वो वहाँ पे एक बार अलकनंदा जब श्रावण का महीना होता है में भगवान कोटेश्वर के चरणों को स्पर्श करके जो गुफा है कोटेश्वर महादेव में, उस गुफा में भगवान अलकनंदा नदी चरण स्पर्श करके और शिव के चरण स्पर्श करके वापस निकल जाते हैं। पहले हम अभी कोटेश्वर से आ रहे जी, तो पहले हमें रुद्रप्रयाग होके जाना पड़ता था, लेकिन जब से ये पुल बना अब हमारे लिए ये सुविधा हो गई। सबसे बड़ी खुशी की बात ये हमारा पुल बन गया। दीदी ये कहते हैं कि थोड़ा सा आ जाओ। दीदी ये कहते हैं लोग ने इस स्थान का नाम काकड़फली बोलते हैं। पहले के लोग बोलते हैं यहाँ काकड़फली, इतना तो मुझे भी मालूम नहीं है लेकिन पहले से लोग ये बोलते हैं कि काकड़फली पुल बोलते हैं यहाँ। तो इसका मतलब किसी काकड़ ने यहाँ छलांग मारी थी? पता नहीं, वो तो पहले के लोग जाए, इतनी जानकारी मुझे भी नहीं इसके बारे में, तो लेकिन बूढ़े आज मुझसे जानकारी लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो कितनी सुविधा है यहाँ? बहुत सुविधा है हमें। बच्चे स्कूल? हमारे बच्चे गुरुराम राय में पढ़ते हैं। आना जाना नहीं, यहाँ आना जाना कोटेश्वर के लिए आना जाना है हमारे यहाँ से। तो धार्मिक स्थान है कोटेश्वर का? हाँ, कोटेश्वर का हमारे लिए बस यही रास्ता सरल है, रुद्रप्रयाग से तो हमें बहुत दूर पड़ता है। थैंक यू। अच्छा, आज आप देख सकते हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं पुल पे और जा रहे हैं, इसलिए इस यहाँ पे काफ़ी सहूलियत इस
पुल से हो गई है, लोगों को आना जाना सीधे हो गया है। जहां लोग 5 से 10 किलोमीटर घूम के चलते थे, लेकिन अब काफ़ी सुविधा लोगों को हो गई है। तो इस आप देख सकते हैं मेरे सामने पुल पे लोग क्रॉस कर रहे हैं। दीदी के नाव चाहो आप? दमयंती देवी। क्या नाम है आपका? दमयंती देवी। कहाँ से आ रहे हैं हम लोग? यही कोटेश्वर से। अच्छा, कोटेश्वर गए थे आप लोग? हाँ। इस पुल का नाम थोड़ा सा हो रहा लाइट पर आँखों में ना अंधेरा हो, बस 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 थोड़ा एक एक तो दिखाना चाहूँगा कि ये गार्डर पुल बना हुआ है और बहुत सुंदर पीडब्ल्यूडी द्वारा ये बनाया गया है। और लोगों की बड़ी मांग थी कि जो अलकनंदा के ऊपर काखड़पाली पुल था, झूला पुल था, उसको तोड़ के एक स्टील गार्डर पुल बनाया जाए, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। और आज हम उसी स्थान पे खड़े हैं, उसी पुल पे खड़े हैं, और आपको ये तस्वीरें हम उस पुल की दिखा रहे हैं जहाँ पे ये पुल बना हुआ है। यहाँ पे एक मोटर व्हीकल जो हमारा टू व्हीलर का रास्ता है वो भी बना हुआ है। और आप लोग कोटेश्वर से सीधे सुमेरपुर और की तरफ जा सकते हैं, और सुमेरपुर से आप लोग कोटेश्वर की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सीधे हम अलकनंदा के ऊपर हैं, और ऐसी वैली है यहाँ पे जो देखने लायक है। यहाँ से सामने से जो वैली है, और यहाँ भी वैली है, छलांग मारी होगी तो निश्चित तौर पर इस स्थान का नाम लोगों ने काकड़पाली रखा गया है। कहते हैं कि भगवान कोटेश्वर के दर्शन जो लोग करते हैं उसके बाद इस झूला पुल को क्रॉस करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे काकड़पाली का पुल कहाँ पे है, इसीलिए इस स्थान का नाम काकड़पाली पुल बनना पड़ा। और यहाँ पे मैं आपको सीधा दिखा सकता हूँ कि जो ये सामने दिख रहा है ये भगवान कोटेश्वर का मंदिर है, और कोटेश्वर का मंदिर में आस्था बड़ी आस्था से लोग यहाँ पे आते हैं और भगवान कोटेश्वर के दर्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं भगवान कोटेश्वर के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और इसी स्थान पे कहते हैं कि भगवान शिव के एक करोड़ों मंदिर इस स्थान पे हैं, जिसे कोटि कोटि से कोटेश्वर महादेव का वर्णन किया जाता है। केदारखंड में इस स्थान का बड़ा ही महत्व है और इसमें वर्णन भी किया गया है।
काकरपाल जी।